वेलकम टू अवर चैनल। आज हम बात करेंगे डी फार्मा फर्स्ट ईयर के एक सब्जेक्ट सोशल फार्मेसी का, जो कि उसका क्वेश्चन पेपर है 2022 जुलाई में आपका पेपर होना है। पेपर पूर्णतः नए पैटर्न के अकॉर्डिंग बनाया गया है। 80 मार्क का आपका पेपर होगा, 3 घंटे की टाइमिंग होगी। और अगर आपको इस पेपर की हार्ड कॉपी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप वहाँ से जाके इस पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 5 नंबर का है, 7 क्वेश्चन दिए गए हैं पहले पार्ट में, आपको केवल 5 क्वेश्चन करना है, सॉरी 6 क्वेश्चन करना है, एक क्वेश्चन 5 नंबर का है, टोटल 30 नंबर आपके हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है आंसर एनी 6 क्वेश्चन, इस क्वेश्चन कैरीज इक्वल मार्क। पहला क्वेश्चन है, डिस्कस इन डिटेल डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ। कौन कौन से डिटर्मिनेंट हैं जो हेल्थ को इंड्यूस करते हैं, बताते हैं। यहाँ पे डिटरमाइन हो गया है, स्पेलिंग एरर है, सही कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपका बताते हैं, डिस्कस डिजीज इंड्यूस ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ मिनरल्स। क्वेश्चन नंबर 2 है कि कौन कौन सी डिजीज़ हो सकती है अगर आपको डिफिशियंसी हो मिनरल्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज डेमोग्राफी राइट अबाउट डेमोग्राफिक साइकिल। डेमोग्राफी क्या है और डेमोग्राफिक साइकिल के बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिमेंट ऑफ माइनर सर्जरी एंड ड्रेसिंग। माइनर सर्जरी और ड्रेसिंग के एलिमेंट को बताने हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको बताते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंट स्टैंडर्ड टेक्निक। डिफरेंट स्टेनिंग टेक्निक्स आपको बताना है, इसमें स्टैंडिंग टेक्निक हो गया है, तो ये भी क्वेश्चन आप सही कर लीजिएगा। स्टेनिंग टेक्निक यहाँ पे बताना है, STENING, स्टेनिंग टेक्निक के बारे में आपको बताना है, ठीक है। डिफरेंट स्टेनिंग टेक्निक के बारे में, कौन कौन सी स्टेनिंग टेक्निक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ए डिटेल ऑन रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन डिजास्टर मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस साइलेंट फीचर ऑफ द हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस के साइलेंट फीचर को बताना है। तो टोटल 7 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, उनमें से केवल 6 क्वेश्चन करना है, एक क्वेश्चन 5 नंबर कैरी करता है। आप स्पेलिंग सही कर लीजिएगा, जो भी स्पेलिंग एरर आ रहा है, मैं कोशिश करूंगा कि आगे से ये एरर ना आए। पार्ट बी में आते हैं। पार्ट बी में आपको शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें 11 क्वेश्चन टोटल दिए गए हैं, 10 क्वेश्चन करना है, एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, तो 3 से अगर आप 10 को मल्टीप्लाई करेंगे टोटल 30 नंबर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन, राइट शॉर्ट नोट ऑन वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन के बारे में आपको बताना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन कॉजेटिव एजेंट सिम्टम्स प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ एड्स। एड्स कैसे होता है, किस एजेंट की वजह से होता है, और प्रिवेंशन क्या है, मैनेजमेंट कैसे करेंगे एड्स का, ये सारी चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन एजुकेटिंग द पब्लिक इन प्रिवेंशन ऑफ COVID-19। फार्मासिस्ट का क्या रोल है पब्लिक को एजुकेट करने के लिए, कैसे रोकें कोविड-19 की रोकथाम के लिए फार्मासिस्ट कैसे पब्लिक को एजुकेट करेगा, उसका क्या रोल है, इसके बारे में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक्सप्लेन अ कॉजेटिव एजेंट सिम्टम प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ मीजल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन कॉजेटिव एजेंट सिम्टम प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ कॉलरा। कॉलरा के बारे में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ टाइफाइड एंड रेबीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
डिस्कस कॉजेटिव एजेंट ऑफ डिप्थीरिया एंड टिटनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस कॉजेटिव एजेंट ऑफ पोलियोमेलाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपका देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट क्लिनिकल फीचर ऑफ हेपेटाइटिस एंड ट्यूबरक्लोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट ऑन मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज। कोई बीमारी कैसे फैलती है इसके बारे में आपको शॉर्ट नोट लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट ऑन क्लेम प्रोसेस। जब आप कोई भी मतलब इंश्योरेंस लेते हैं और इन केस कोई मिस हैपनिंग हो जाती है तो आप कैसे क्लेम कर सकते हैं, ठीक है, उसके बारे में बताना है। पार्ट सी में आ जाते हैं, सेक्शन सी या पार्ट सी में, इसमें आपको टोटल 20 क्वेश्चन दिए गए हैं, मल्टीपल चॉइस या फिर फिल इन द ब्लैंक्स या फिर वन वर्ड्स में आपको आंसर करना है, वन सेंटेंस में, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डायमेंशन ऑफ हेल्थ। तो फिजिकल, सोशल, न्यूट्रिशनल एंड मेंटल। तो न्यूट्रिशनल जो है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल हेल्थ प्रोग्राम वाज डिक्लेयर्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट। भारत सरकार ने नेशनल हेल्थ प्रोग्राम कब डिक्लेयर किया, तो 1983 में इसको डिक्लेयर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपका देखते हैं, कह रहा है परमानेंट स्टरलाइजेशन सर्जरी मेंट फॉर द मैन। कुल मिला के इसमें आपको इंसान के बारे में बताना है कि इंसान की परमानेंट सर्जरी जब होती है, ये क्वेश्चन लिया गया है आपका कंट्रासेप्टिव वाले चैप्टर से, ठीक है। तो इसमें बैक्सोटॉमी राइट आंसर है, ट्यूबेक्टॉमी फीमेल के लिए किया जाता है, सर्जिकल मेथड वही है। यहाँ पे स्टरलाइजेशन मेथड हो गया है, सर्जिकल मेथड आपको बताना था, ठीक है। क्वेश्चन था, तो कुल मिला के आपका राइट आंसर हुआ ट्यूबेक्टॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फैट सॉल्युबल विटामिन। इसमें आपका नॉट फैट सॉल्युबल विटामिन बताना है, तो विटामिन सी राइट आंसर है इसका। उसके बाद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज यूज इन ब्लड क्लॉटिंग। तो विटामिन के जो है ब्लड क्लॉटिंग के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पल्सेस इज द गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। दालें जो होती हैं वो प्रोटीन की अच्छी सोर्स होती हैं। उसके बाद चिकन पॉक्स इज कास्ड बाय ड्यू टू वारसेला जोस्टर वीजेड के नाम से एक वायरस होता है, उसकी वजह से चिकन पॉक्स होता है। सिफेलिस इज ए टाइप ऑफ डिजीज़। इसको आप खुद कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा क्या फेल किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनक्यूबेशन पीरियड ऑफ लेप्रोसी। लेप्रोसी का इनक्यूबेशन पीरियड बताना है, तो 2 से 5 साल राइट आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम वाज लॉन्च इन इंडिया। ये कब लॉन्च किया गया, तो 1987 में ये लॉन्च किया गया, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेशनल ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम NTP वाज लॉन्च इन। NTP कब लॉन्च की गई, तो ये 1962 में लॉन्च की गई, इसका राइट आंसर है 1962, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज कवर्ड बाय डिजास्टर मैनेजमेंट बिफोर ड्यूरिंग एंड आफ्टर डिजास्टर। तो इसमें मुझे जो लगता है राइट आंसर होना चाहिए ऑल ऑफ अबव, लेकिन जिस बुक से हमने इस क्वेश्चन को फ्रेम करने की कोशिश की थी वहाँ पे इमरजेंसी रिस्पांस दिया है, लेकिन आप ऑल ऑफ अबव ही मानिएगा, क्योंकि हमारे हिसाब से ऑल ऑफ अबव ही आंसर होना चाहिए। बाकी आप इसको कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके हिसाब से क्या आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन डॉट डॉट कवर्स द एक्सपेंस ऑफ केयर गिवन बाय द फिजिशियन एक्सपर्ट एनी सर्जरी ओ आर ऑपरेशन। तो इसमें फिजिशियन एक्सपेंस
इंश्योरेंस आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूट्रल स्प्रिट कंटेन डॉट डॉट एल्कोहल बाय बैलून, तो इसका राइट आंसर होगा 90 से 95%। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, इसमें कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए बैरियर ऑफ कंट्रासेप्टिव, कौन सी ऐसी कंट्रासेप्टिव है जो बैरियर नहीं है इनमें से। ऑप्शन आपका देख लेते हैं, तो आपका कंट्रासेप्टिव पैड जो है ये बैरियर नहीं है, ये स्किन पे हम यूज़ करते हैं और ये प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज़ करती है जिसकी वजह से स्पर्म को किल किया जाता है, ठीक है, या किल किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिल्क चीज़ एंड एग द सोर्स ऑफ, तो ये सब विटामिन ए एंड विटामिन डी के सोर्स हैं। एंड अमीबा हिस्टोलिका इज ए कॉजेटिव एजेंट, तो एम्बियोसिस की वजह से होता है एंड अमीबा हिस्टोलिका की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैक्टीरिया इज अपीयर पर्पल आफ्टर द स्टेनिंग प्रोसेस, तो इसमें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया राइट आंसर होगा। जो लोग माइक्रोबायोलॉजी पढ़े होंगे उनको जानकारी होगी इसके बारे में, अगर नहीं आप लोग पढ़े हैं तो सोशल फार्मेसी में भी एक चैप्टर है उसमें भी ये बताया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनक्यूबेशन पीरियड ऑफ डिप्थीरिया, डिप्थीरिया का इनक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, तो डिप्थीरिया का इनक्यूबेशन पीरियड जो होता है वो 2 से 5 दिन होता है, 2 to 5 days डिप्थीरिया का इनक्यूबेशन पीरियड। फिर चिकनगुनिया इज कास्ट बाय, तो एडीज मॉस्किटो के द्वारा चिकनगुनिया होता है, AEDES एडीज मॉस्किटो, ठीक है, इसकी वजह से चिकनगुनिया होता है। तो ये थे आपके कुछ क्वेश्चन पेपर जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। अगर आप इतना ही तैयार करके जाते हैं तो मेरी गारंटी है कि आपका 50 से 55 नंबर कोई नहीं रोक पाएगा, 50 से 55 नंबर कोई नहीं रोक पाएगा और आप इजी तरीके से पास हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो प्लीज़ इन क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के जाइएगा। बाकी मेरी बेस्ट विशेज हैं आप लोगों के साथ, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एनुअल एग्जामिनेशन 2022 और आप लोग अच्छे नंबर से पास हों, मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हम भी मोटिवेटेड रहें और वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू।